ऑलमोस्ट गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। मैं ये लाल चटनी और मेयोनीज निकाल के ले ली हूँ जो दोपहर में बनाई थी मैंने, और इसको निकाल ली हूँ प्लेट में। देखिए गरम है एकदम। बहुत ज्यादा गर्म है, ठंडा होने देना है। कैसा है? अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? देख रहे हैं ना, बुरखे में हूँ। अभी मैं जा रही हूँ बाजार, कुछ चीजें खरीदने का था तो खरीदने जा रही हूँ। 11 बज रहे हैं, लोग सोए हुए हैं, शाहजान और उसके पापा। मैं उठ के धीरे धीरे आके निकल रही हूँ, बाहर से कड़ी मार दी हूँ, अभी मैं निकल रही हूँ बाजार। सीढ़ी उतर गई हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूँ। अभी मैं अपनी गली से होते हुए जा रही हूँ बाजार में, कुछ भाजी वगैरह लेना है, तवा भी लेना है रोटी का। बारिश आने का भी डर है तो मैं छतरी लाई भी नहीं हूँ, देखते क्या होएगा। कुरला का मार्केट है, सुबह के ये 10:30-11 बज रहे हैं। हर जुम्मेरात को ना कुरला में बाजार लगता है। आज है जुम्मेरात, जुम्मेरात है, 8 तारीख है अगस्त की। इधर हरा धनिया वाला रहता है, मैं इनके पास आके हमेशा से लेती हूँ, क्योंकि इधर ना अच्छा होलसेल भाव में देते हैं और इतनी ज्यादा ज्यादा रहती है कोथमीर वगैरह। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी गड्डी है, 20 की एक है ये। वही दूसरी जगह लेने जाएंगे ना इत्तु इत्तु सही देते, इधर अच्छे भाव में मिल जाता है। ये सेबू की भाजी भी है इधर, 10 का एक है बोलते, तो मैंने ले ली एक धनिया और ये सेबू की भाजी। मुझे बहुत लगता है कोथमीर वगैरह तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अभी मैं इधर से कोथमीर वगैरह लेके निकल गई हूँ। अभी इधर कैरेट लेने का था, मैं ले रही हूँ क्योंकि आज मेरा कुछ प्लान है बनाने का, देखते क्या बनाना है। यानी मोमोज का प्लान था, मूड हुआ तो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं, लेके रखने का रख लूँगी। हाँ, लेडीज़ का मूड ऐसा है, कभी भी बदल सकता है। इधर भुट्टे भी लेना था, ले ली। कभी बनाने का मन होता है, कभी नहीं होता है, एक्स्ट्रा काम मोड़ के ऊपर है सब। और इधर तवा लेने का था मुझे, तो मैंने तवा भी ले ली हूँ मोटा वाला। रोटी वो मेरा और एक जो पुराना तवा था वो पतला हो गया ना, तो रोटियाँ जल रही है इसकी वजह से। ये मैं एकदम मोटा वाला तवा ली हूँ, इसका रेट है 240। मैंने थोड़ा बार्गेनिंग करी तो 220 में मुझे मिला। तो फिर मैं उधर से आई हूँ दूध वगैरह लेने, मैं दूध ले ली अपना। फिर मैं अपनी गली में होते हुए निकलना, फिर सोची सांबर पाउडर भी लेना है, तो फिर मैं सांबर पाउडर ले रही हूँ। अभी घूमने के बाद फिर याद आता कि कुछ लेना है। आप क्या बोले? सांबर पाउडर कितना? 5 वाले 4। बाजार से लोग अभी तक सोए हुए हैं, तवा सब ले ली।
शहजान को छोड़ के गई थी। हंस रहा है, अब रोएगा जैसे कि मैं अभी जा रही हूँ, समझ के रोएगा। अभी तुम जाओगे। हेलो 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 शहजान, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब मैं जाके आ गई, अब ये जाएंगे लगता बाजार। कहाँ जा रहे हो? बाय। नींद से उठ के सीधा बाहर भाग रहे। अभी मैं बना रही हूँ शहज के लिए अंडा, दूध और इतनी सी शक्कर डाल के ऐसा फिल्ड कर लूंगी, फिर ये ब्रेड ऐसा डिपिंग करके तवे पे सेक के डब्बे में डाल दूंगी, दो खा लेगा। रोटी बनाने का सोची हूँ, शहज के पापा बोले आज मत बनाओ रोटी, तो ठीक है बोली मैं। और शहजान भुट्टा भी खा रहा था, मेरा तो खत्म हो गया अभी, इसका खादा हुआ। शहजान को इतना जल्दी चाहिए था भुट्टा, वो कच्चा भुट्टा खा रहा था बिना पकाया हुआ, तो अभी उसके दाने फटाफट निकाल के इतने से ही पका के दी हूँ, बैठ के खा रहा है। इसको भी दी थी, ये खा के खत्म कर देता है, फिर उसका जा जाके लेता है। और मुझे स्कूल भी जाने का है, कल आ जाएंगे पंप पे ले फटाफट। लोग सोए रहते ना, वो टाइम पे बाजार जाके आना ही सही लगता है। इसमें शक्कर, अंडा, दूध डाल के फेट ले रही हूँ। हफ्ते में एक दो बार इसको पसंद आता है शायद, को दे देती हूँ। गरम गरम तवा होने के बाद तेल डालना है थोड़ा सा ही, फिर ये जो ब्रेड है ऐसा डिप करके मिला देना है, ऐसा फिर डाल देना है। मीडियम आंच पे रखना है, नहीं तो ब्रेड जल जाएगा। इसको दो चार बनाऊंगी, फिर अपने लिए चाय टोस्ट खा लेंगे हम लोग। शहजान का भुट्टा खत्म हो गया लगता है ना, है क्या? खत्म हो गया, इसको ऐसा पैक करके रख दूंगी। और इधर मैं ना कीमे को पानी में डाल के रखी हूँ, देखिए दिख रहा है क्या? ये डिब्बे में कीमा है, इसको पानी में भीग में रखी हूँ, इसका कुछ बनाते। ये फ्रिज में रख देना। कोथमीर और सेबू की भाजी रखी हूँ, दंडिया काट काट के रखी हूँ, साफ करना है अभी। अब फ्री है तो थोड़ा हेल्प करेंगे, मैं तब तक नाश्ता बना के आती हूँ। वो जल्दी साफ नहीं करेंगे ना, खराब होने का डर रहता है, फिर बिना साफ करे मैं जल्दी फ्रिज में रखती नहीं हूँ। बारिश पानी का डर है, कुछ भी केचुए कीड़े निकल ना जाए, है ना, इसलिए साफ करके हटाना ही अच्छा है। इसको देखो कैसा चुन के खा रहा है, झुक जो अच्छे नहीं वो नहीं पता।
कोथमीर अच्छे रेट में मिल गई है, 20 रुपए की इतनी मोटी गड्डी मिली है। देखो हाँ, ये देखो कितनी मोटी गड्डी है, 20 रुपए की, समझ रहे हो ना? यही 5-10 की लेंगे ना, परवड़ता नहीं है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? इसको अच्छे से छुड़ा के रख देंगे अभी। शायद के ब्रेड बन रहे हैं। यूनिफॉर्म अभी तक नहीं पहना शयास, 12:30 बज गए ले। चलो जल्दी से पहन लो। वाटर बॉटल नहीं, खाली इधर से उधर भटक के टाइम वेस्ट हो रहा है बस। हाँ वही बोल रहा है, खाली कहाँ है कहाँ है, इधर इधर ही पड़ा रहता है लेकिन मिलता नहीं इन लोग को। हम जैसा जाएंगे मिल जाता है, खुद ढूंढने बोला तो नहीं मिलता कुछ भी। ए तुम क्या कर रहे हो? ए शेजान के बच्चे, शेजान के बच्चे, तवा में लेके आई हूँ और ये अभी ढक्कन दलवा के लेके आई। ये डंडी टूट गई थी ना इसकी, तो डंडी दलवाई कुकर की, तो दलवा के लेके आए ले। थोड़ा बहुत कोथमीर साफ कर ले रही हूँ, अभी खिचड़ी बनाने का सोच रही हूँ मैं। खिचड़ी बना के फिर देखते क्या करना है। सेबू की भाजी को भी मैंने साफ करके ले ली हूँ, कोथमीर को भी साफ करके ऐसा न्यूज़पेपर में लपेट लपेट के रखी हूँ दो तरीके के। ये थोड़े टुकड़े पुकड़े हैं, अभी बनाने काम आ जाएगा। अभी मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ, वेजिटेबल पुलाव, सेबू की भाजी डाल के, कैरेट डाल के, आलू कैरेट मूंग दाल डाल के मस्त खिचड़ी बनने वाली है। अभी इसको भी लपेट के ऐसा फ्रिज में एक डब्बे में या तो थैली में डाल के रख सकते हैं। के अंदर न्यूज़पेपर डाल के उसके अंदर कोथमीर डाल के मैंने रख दी हूँ। ऐसा रखने से ना 15-20 दिन एक एक महीना भी अच्छा रहता है, खराब नहीं होता है। फ्रिज तो भर गया है, साफ करने टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। पूरा घर घान हो गया, साफ करना है अभी। साफ करके खिचड़ी भी बनाना है, खिचड़ी बना के मिलती। मूंग दाल सेबू की मैं खिचड़ी बना रही हूँ। सेबू की भाजी और कोथमीर को धो के बारीक काट के रखी हूँ और एक आंधे को बारीक ले ली हूँ। अभी टमाटर ले रही हूँ मैं, जो एकदम खराब होने वाले रहते वो चुन के लेती हूँ, थोड़ा नरम नरम पके हुए, नहीं तो वो रह जाएंगे फिर अच्छे अच्छे कट जाएंगे। बस कांदा टमाटर कोथमीर पुदीना सेबू की भाजी अदरक लहसुन गरम मसाला हल्दी मिर्ची ग्रीन चिली पेस्ट नमक, इतना सब रेडी करके रख ली हूँ। इधर मैं अपने लिए काकड़ी भी काट के खा रही हूँ, मिर्ची नमक लगा के मजा आता है खाने। और इधर कैरेट काट के रखी हूँ, आलू भी काटना है, चावल धो के रखी हूँ, कीमा भी थोड़ा मिला दूंगी खिचड़ी में, बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी है। तेल डाल रही हूँ मैं, 1/2 किलो की खिचड़ी बना रही हूँ, दोपहर में भी हो जाए वे और रात में भी हो जाए थोड़ी। तेल गरम होते ही अपने को डालना है कांदा, ये कीमा, कैरेट, आलू, भुट्टा, मूंग दाल, मसूर दाल, ये सब ले ली, ऑप्शनल है, जो मर्जी वो ले सकते हैं आप। कांदा टमाटर कोथमीर पुदीना सेबू की भाजी, तेल गरम हो चुका है, इतनी टेस्टी बनती है ना ये।
कांदा एकदम ब्राउनिश होने वाला है अभी। अभी इसमें अदरक लहसुन डाल दूंगी मैं। अदरक लहसुन हल्दी मिर्ची नमक डाल दी, गरम मसाला भी था इसमें पिसा हुआ। अभी टमाटर और सारी चीजें। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे, आंखें जल रही है, छजन रोने लग गया है। थोड़ा टमाटर का कच्चापन निकलने देना है। ऑलमोस्ट गल गया है टमाटर। ये सब अभी ऐड कर दूंगी मैं। कीमा का खिचड़ी ना बहुत टेस्टी लगती है, पुलाव ही समझो, कीमे का पुलाव। ऊपर से वेज नॉन वेज मिक्स, इतना टेस्ट आता है ना इसका। नींबू छिड़क देती रस। ये मराठी स्टाइल की खिचड़ी है, मराठी लोग बनाते हैं ये। एक सेकेंड फ्लोर में मैं थी ना तब, तो एक बाई बोल के थे, वो बनाते थे ऐसी खिचड़ी, मतलब कीमा नहीं डालते थे, वेजिटेबल की खिचड़ी बनाते थे, सेबू ये सब डाल के, कीमा एक छोड़ के सब डालते थे। तो मैं कीमा एक बार घर में बनाई थी, एक बार ऐड करके इतना टेस्टी हुआ था। चावल ऐड करके, मैं मोमोज बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मटन कीमा मोमोज, कीमा ले ली हूँ धोधा के, ये मसाले ली हूँ, हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर ऑरिगेनो और ये मसाले कीमा। इसी में मैं डाल रही हूँ मसाले। इधर मैंने चॉप करके रखी हूँ कांदा कैरेट कैप्सिकम, इसको सब भूंज लेना है, बारीक काट के भी ले सकते हैं, चॉपिंग का रहेगा तो चॉप भी कर सकते हैं। शायाज बोल रहा था बहुत दिन से मोमोज बनाओ मोमोज बनाओ, तो सोची आज बना दूं। अभी 2:30 बज रहे, आधा काम अभी कर लूंगी मैं, आधा काम बाद में, ये 5-6 बजे बनाऊंगी मैं। अभी तैयारी करके रखूंगी ना, उतना भारी नहीं पड़ेगा। खिचड़ी हमारी बन गई है अभी, साथ ही में मैं मोमोज का रेडी कर ले रही हूँ। इसको थोड़ा पकने देना है कीमे को। इसमें अभी मसाला ऐड करूंगी मैं। एक चम्मच, एक टेबल स्पून उतना मैंने डाली हूँ
सोया सॉस रहेगा तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। रेड चिली सॉस स्किप कर देती हूँ क्योंकि उसमें ऑलरेडी लाल मिर्ची भी डाली हूँ, ग्रीन चिल्ली भी डाली हूँ, बच्चे लोग को तेज हो जाएगा। आप चाहे तो तेज चाहिए बोलेंगे तो डाल सकते हो, ऑप्शनल। इसको हाई फ्लेम में थोड़ी देर रख के ढाक दूंगी, थोड़ा ये पक जाएगा। तब तक मैं किचन साफ कर लेती हूँ। रेड कलर की चटनी बनाने वाली हूँ मोमोज की। ये देखिए मैंने इधर और इधर काट के ले ली हूँ सारे टमाटर को ऐसी चारों तरफ से, और लाल ये मिर्ची डाली हूँ मैं, और लहसुन की कलियाँ 6-7 डाली हूँ। इसको अभी पानी में धो दी मैंने, अभी इसको पकाने रखूंगी। इधर कीमा बन रहा है, इसको अभी सुखाना है थोड़ा। इसको भी ऐसा ऑन कर लूंगी मैं, जब खड़े तो एक साथ करके हटा लेते चीजें, फिर शाम में इसको मैदे का आटा कला के फोल्ड करके तल लेंगे। फ्राइड मोमोज स्टीम का भी मैं बताऊंगी, वो भी बताऊंगी, और मेयोनीज भी बताऊंगी मैं। ऑलमोस्ट सूख चुका है, 2-3% अभी सूखना है बस, पूरी तरह सूख जाना चाहिए। अभी इधर पक गया है, ये स्किन हल्का हल्का निकला हुआ है ना, तो समझ जाने का कि इसको बंद कर देना चाहिए, टमाटर का स्किन। अब इसको मैं इसमें छान लूंगी, देखो ऐसा छान ली हूँ। अभी ये थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका स्किन निकाल के पीस के फिर मैं बताती हूँ चटनी, तो मोमोज की चटनी बताती हूँ। ये थोड़ा और सूखना है, हाई फ्लेम में छोड़ना है इसको। इसको ठंडे पानी से धो के मैंने इसके स्किन्स को निकाल दी हूँ। इसको और थोड़ा ठंडे पानी में धो के एक बर्फ डाल के पीस लूंगी अभी इसको बारीक। इधर कीमा सूख गया तो मैंने गैस ऑफ कर दी हूँ, इसको पीस लेती हूँ। इसको पीस ली मैंने और इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल देती हूँ, 1 टेबल स्पून उतना। टोमेटो केचप डाल दी इसमें, अभी मैं डाल रही हूँ शेजवान चटनी, इतना सा नमक और 1 चम्मच उतना शक्कर और थोड़ा सा 1 चम्मच उतना विनीगर। शक्कर नमक डाल दी मैंने, अभी विनीगर डाल रही हूँ ये वाला, नहीं रहेगा तो विनीगर नींबू का 1/2 चम्मच रस डाल सकते हैं, नींबू का रस। इसको एक बार पीस लूंगी, नहीं पीसेंगे तो भी चलेगा, पीसेंगे तो भी चलेगा। इसको अच्छे से पीस ली मैंने, अभी इसको तेल में बघार लूंगी। पैन में तेल डाल दी हूँ, अब ये जो भी मिक्सचर है मिक्स कर लूंगी। अब इसको 2 उबाल आने देना है, कि नमक शक्कर टेस्ट सही है क्या नहीं चख के देख लेना। 1-2 उबाल आ गए तो ये रेड चटनी बनके तैयार है अपनी। फिर मैं मेयोनीज बनाती हूँ। चटनी बनके तैयार हो रही है अपनी, ऑलमोस्ट हो ही गई है, सूख गई। हाँ तो ये बन गई है रेड चटनी, तेज तेज खट्टी खट्टी। अब इधर मैं बनाने के लिए ली हूँ दूध, तेल, विनीगर, लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी शक्कर, नमक। ये है मेयोनीज बनाने की तैयारी। इसमें मैं ले रही हूँ अभी दूध, 1 छोटा गिलास दूध और लहसुन को मैंने डाल दी हूँ। इसी में 2-3 चम्मच उतना विनीगर डालूंगी, 1/6 टीस्पून विनीगर, और तेल को मैंने डाल दिया, और इसमें शक्कर और नमक डाल दूंगी और पीसूंगी। ये मैंने पीस ली हूँ, इसमें और थोड़ा थोड़ा करके ही तेल डालना है, एकदम एकदम से नहीं डालना है तेल, फिर पीसना है, फिर थोड़ा डालना है। देखिए ऐसा हुआ है, और थोड़ा सा डाल के पीसना है। ये देखिए मेयोनीज बनके तैयार है, एकदम थिक, देखिए कितना थिक हुआ है, रेडीमेड के जैसा ही हुआ है। अब इसको एक कटोरी में सर्व करके रख दूंगी शाम के लिए।
फिर वो चटनी को भी सर्व करके ले लूंगी। ये मोमोज के अंदर भरने का स्टफिंग के लिए सही है। ये मेयोनीज है, देखिए कितना थिक हुआ है, मस्त एकदम टेस्टी हुआ है। शक्कर डालना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है थोड़ा। ये भी मिर्ची काली चटनी भी एकदम मस्त है, खट्टी। मेरा आधा काम हो गया है समझो, अभी चटनी बना के इसको चक्के देखते हैं। ये वाली लाल चटनी है, एक नंबर। ये मैंने इस चक्के देखती हूँ, एकदम रेडीमेड है ना। आप चक्के देखो कैसा है टेस्ट। खिचड़ी के लिए मैं सलाद बना ली हूँ। कांदा, काकड़ी, चाट मसाला, नमक, इसको मिक्स करके खिचड़ी में खा लेंगे। अभी खिचड़ी देखिए मस्त एकदम बनके तैयार है। खिचड़ी बन गया है मेरा, खिचड़ी रात के लिए भी बना दी एक साथ, मोमोज की तैयारी भी हो गई है। अभी आटा कलाना है, बाद में आटा कला के मोमोज का शेप देके फ्राई वाले भी स्टीम वाले भी दोनों बनाऊंगी मैं। अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं। देखिए लंच कर रहे हैं, कीमा खिचड़ी खा रहे हैं, अचार, सलाद। इधर बैठते हैं। कैसा है? मस्त है बे। कीमा, कीमा पुलाव ऐसा लग रहा है। लग रहा क्या है ही कीमा। कीमा वही मतलब खिचड़ी है, पुलाव जैसा लग रहा है। मस्त है, टेस्टी है ना। तो पुलाव कितना मस्त रहेगा। खिचड़ी की देख है। एकदम टेस्टी बना है। साढ़े पांच बज रहे हैं। अभी मैं आटा गूंद के रखी हूँ, मैदे का आटा, सिर्फ पानी डाल के गूंदी हूँ, एंडिंग में तेल से ऐसा लगा दी। अभी इसको 5 मिनट तक ऐसे ही भीगने छोड़ दूंगी। अभी मैं इसको बड़ी रोटी बेल के कटोरी से ऐसा गोल गोल शेप ले लूंगी। नॉर्मल रोटी जैसा बेलते ना वैसा ही बेल लेना है। ऐसा रोटी बेल ली मैंने, अभी इसको मैं ऐसा बॉल से ऐसा गोल शेप दे दूंगी। फिर अभी उसमें फिलिंग कर लेते। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मोमोस। फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी पहले भी, रेड चटनी भी फर्स्ट टाइम बनाई थी आज। अभी इसमें हम फिलिंग कर लेते हैं, मिक्सर डाल लेती हूँ। साड़ी की मेरी बात है ना, ऐसा बनना है बस। शेप चाहे जैसे भी बना लो, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। मुझे परफेक्ट नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा आटा लगा के ऐसा हाथ में, देखिए दिख रहा है क्या मोमोज जैसा, ठीक है ना। ऐसा ही सब बना लेना है, थोड़ा अलग अलग भी बनाते हैं शेप। पोटली बनाते ना, पोटली मोदक के जैसा वैसा बनाते। तब तक गैस ऑन कर लेती हूँ तेल गरम करने।
बाहर बच्चे लोग खेल रहे हैं। शायद से दोस्तों सही उधर है अभी ये कुछ नया डिजाइन बन गया। उसका रेडीमेड आता है ना ऐसा फोल्ड करने वाला गुजिया, वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोट भी ऐसा बना लेती हूँ अभी। मोदक के जैसा मोमोज तेल अच्छा गर्म होने देती हूँ। फ्राइड मोमोज चाहिए बोले शायद के पापा, तो वही बना रही हूँ। इसको पूरी जैसा, छोटी पूरी आती है ना पूरी के जैसा करती हूँ। डिजाइन दे देती हूँ। अलग अलग डिजाइन के मोमोज जो चाहिए वो मम्मी कर सकते। इसको फोर फोल्ड। शायजान क्या हो गया? शायजान को इतनी नींद आई है फिर भी नहीं सोना है। देखिए फर्स्ट टाइम मोमोज बना रही हूँ मैं। डिजाइन कैसे बताइए जरा कमेंट्स में। मीरी लगाते ना वैसे लगा। शायू को मालूम नहीं मैं मोमोज बना रही हूँ, आके देखेंगे ना एकदम खुश हो जाएगा, इतना पसंद है उसको मोमोज। मोमोज क्या होता है एक जमाने में मालूम भी नहीं था, आज तो आम बात हो गई है। तेल अपना गर्म हो रहा है। तेल गरम हो चुका है, अभी मैं इसमें मोमोज डालती हूँ। मीडियम आंच पे रखती हूँ। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। ऑलमोस्ट गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। मैं ये लाल चटनी और मेयोनीज निकाल के ले ली हूँ जो दोपहर में बनाई थी मैंने। अब इसको निकाल लेना है। पगले हाँ पलटी भी मार दी थी मैंने गोल्डन फ्राई होने तक। मैंने निकाल ली हूँ प्लेट में, देखिए गरम है एकदम। शायाज आ गया है अरबी से। आवाज नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। तूने वही तकरार रात को बनाओगे? हाँ अम्मी चलो मिला लेना अरबी पे माँ वाली गाली दिया था वो और मुझे अबे बे बोल दिया। बे अबे अबे बोला। मैं उसकी करते जाता हूँ तब अबे बोलता तो मत बोल अच्छा बोलता है। अबे अभी मैं खुद अबे बोला बिलाल अबे बोला। वो देख लो कितनी बड़ी गई है। बाप रे माऊ वाली। अबे मोमोज मैंने नहीं बनाई तो नहीं बनाई। हाँ छोड़ो भाई जनाब टेक दिस। मोमोज मामाज नानीज दादा सब है उसमें अलग अलग डिजाइन के। ये क्या इतनी सारी चटनी जो छोटी प्लेट है देख गैस के नीचे। मेयोनीज रेड चटनी पहली बार बनाई हूँ, अच्छा है या बुरा है? सच में
इतना खराब बन गया। स्टॉल खोल दू बाहर बिल्डिंग के नीचे। इसमें अलग अलग चटनी करो, लाल हो जाएंगी व्हाइट जाके। मेयोनीज एकदम ठीक हुआ ना, होममेड मेयोनीज। मुझे चटनी नहीं चाहिए। ये है चटनी। बस 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 बस, तेज है वो बच्चे लोग। मुझे ये टमाटर चाहिए। हाँ व्हाइट मेयोनीज है ना, था उसको चाटना है। ले भाई ले चाट। तो गुस्सा करता है। अच्छा लगा दमदार। बस डिजाइन की धज्जियां उड़ गई है। शायु कैसा है? तूने बोला था ना अली मोमोज बन गए हैं, वो भी टेस्टी। मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा इतना टेस्टी बनेगा बोल के। ऊपर कितने मार्क्स? 10 of 10। 10 of 10। ये देखो पूरा मेयोनीज चाट ले रहा है। तो अभी जाएंगे हम लोग नीचे, एक स्टॉल लगा देंगे मोमोज का, बना के बेचेंगे। वही बाकी है अभी। खुशी भी कुछ बनाते हैं, मेहनत देते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो अच्छा खुशी होती है ना। वही खराब रिजल्ट आता तो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है मेंटल हेल्थ। और रात में दम भी है। और रात में दम भी है। खा के देखो, तू भी खाएगा? सच में एक नंबर है। मैं समझे ऐसे ही बोल रहे। मस्त है। सेम बाहर में मिलता ना वैसा, उससे भी अच्छा ही है। बहुत टेस्टी है ना शायु? मेयोनीज मस्त है ना, होममेड। अभी मोमोज बना रहे, मैं बहुत खुश हूँ। रात को मैंने ही बोला था अम्मी को सुबह में मोमोज बनाओ, और अम्मी रात को कल वाली रात में बना के बोले, फिर आज बना रहे। पाठ पढ़ रहा है। और इधर नाइट को रीचे को बेलन पे कोचा चप चप कर रहे हैं, और ना होममेड नारे पे बना रहे गुजिया टेप के। अभी मोमोज बना रही हूँ मैं, देखिए ऐसे। और ना बहुत थोड़ा टाइम जा रहा है, अभी टाइम है ही नहीं। उधर भी भेजना है ना सासू माँ के लिए, तो थोड़ा टाइम। और मैं लेके जाऊँगा। और यहाँ पे ये रखा हुआ है प्लेट पे, ये सही है, फटाफट हो जाता है। यू करे, यू फोल्ड किए और डाल दिए, है कि नहीं? हाँ। सही। स्कूल में क्या बोले टीचर? टीचर हमें लेकिन मुझे होमवर्क भी करना है। हाँ पहले वीडियो कर लेता हूँ, फोटो निकलवा दो। हाँ हमें अभी बंद करो। अभी ये जो है मोमोज मैंने बना के रख ली हूँ, इधर पानी पक रहा है, अभी मैं इसके रख लेती हूँ मोमोज। स्टीम वाले बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। स्टीम वाले हम लोग के घर में पसंद नहीं करते, आपको दिखाने के लिए खासकर मैं बना रही हूँ ये। ये देखिए ऐसा मैंने रख दी हूँ। ऐसा ढक के रख दी, 5-10 मिनट पकने देना है। स्टीम मोमोस ऑलमोस्ट बन चुके हैं, ये देखिए। इसको बंद कर लेती हूँ गैस, बहुत ज्यादा गर्म है, ठंडा होने देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो, और कमेंट भी किया करें। और बताइए कि मोमोज कैसा लगा, रेसिपी अच्छी लगी है या नहीं, कमेंट्स में बताइए मोमोज की रेसिपी के बारे में। फिर मिलते हैं अगले दिन के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। बाय। शहजान सोया था, अभी नींद में है। बाय। ओ कर लिया, बाय कर लिया। और सुबह में भी।